हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला कलेक्टर ने राजकीय चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। मौसमी बीमारियों में बड़ी ओपीडी के दौरान मरीजों के लिए की गई व्यवस्थाएं परखी। जिले में मौसमी बीमारियों से ओपीडी बढ़ने के उपरांत राजकीय चिकित्सालय में मरीजों के लिए व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के लिए जिला कलेक्टर लोकबंधु ने सोमवार साय औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने राजकीय चिकित्सालय में डेंगू मलेरिया एवं मौसमी बीमारियों से बड़ी ओपीडी से चिकित्सालय में मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को चिकित्सालय में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो ये सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान चिरंजीवी योजना के तहत इलाज के लिए संचालित हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर योजना का आधिकारिक लाभार्थियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के संबंध में जानकारी देने तथा अधिकाधिक लोगों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय परिसर में सफाई व्यवस्था पर जोर देने को कहा। उन्होंने नव निर्मित NICU यूनिट का निरीक्षण कर तैयारियां पूरी करने को कहा। उन्होंने कहा कि NICU जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है, इसे जल्द ही लोकार्पण करवाकर शुरू किया जाए। उन्होंने इस दौरान शिशु वार्ड में जाकर भर्ती बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों एवं व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। उन्होंने वार्डों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने आमजन से अपील की है कि मौसमी बीमारियों के दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम के लिए एक जगह पानी इकट्ठा न रहने दें, साथ ही अन्य एहतियाती उपाय अपनाएं। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।